नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित्रा। आज मैं जो स्कूटी ट्यूटोरियल वीडियो लेके आई हूँ वो एक्सीलरेटर के ऊपर हम लोग किस तरह अपना कंट्रोल कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑन एक्सीलरेटर। पहले तो आपको स्कूटी के ऊपर ठीक तरीके से बैठना है, सेंटर में बैठना है। मैं आपको दिखा रही हूँ सेंटर में, मतलब ये आपका सिटिंग पोजीशन है। तो ये आपका सिटिंग पोजीशन है, मतलब ये यहाँ पे आप बैठते हो, तो ये सेंटर में ठीक तरीके से आपको बैठना है। ठीक है, मैं बैठ गई हूँ स्कूटी के ऊपर, एकदम कंफर्ट हो के बैठना है। उसके बाद आप विदाउट स्कूटी को स्टार्ट करके उसके जो हैंड एक्सीलरेटर है आप एक्सीलरेटर को घुमाइए। एक्सीलरेटर को इतना ही घुमाना है जो आपके हाथ में तकलीफ ना दे, यानी ये तो फ्री घूमता है, इजीली घूमता है, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उसी से आपको इजीली घूम जाता है। तो आपको देखना है एक्सीलरेटर को आप कितना घुमाने से आपको हाथ में पेन नहीं आएगा। आप जितना ज़्यादा घुमाओगे, इतने घुमा देने से आपको लगे आपके हाथ में थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, ये खिंचाव नहीं लाना है, ये कंफर्ट आपका पोजीशन नहीं है। आपका कंफर्ट पोजीशन जो है वो थोड़ा सा घुमाने से ही देखिए आपका एक्सीलरेटर घूम जाएगा, आपका स्कूटी धीरे से बढ़ने लगेगा, लेकिन आपको हाथ में कोई तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद अब जब एक्सीलरेटर को पकड़ते हैं, ज़्यादा टाइटली मत पकड़िए क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्रिप दिया हुआ है, आपका हाथ में आप धीरे से पकड़ने से भी ये आपके ग्रिप में आ जाएगा। तो इसको जितना आप टाइटली पकड़ोगे आपके हैंड के ऊपर प्रेशर आएगा, आपको चलाने में तकलीफ होगा। तो इसीलिए आप इसको धीरे से पकड़िए और धीरे से घुमाइए। देखिए मैं इसको बहुत धीरे से सॉफ्टली पकड़ी हूँ, देखे घुमा रही हूँ, तो इजीली ये मूव हो जाता है। तो फर्स्ट हमें ये भी देखना है कि आप जब पकड़ते हो ये धीरे से पकड़ना है, ना कि बहुत सख्त से पकड़ना है। तो इससे क्या होता है, आपका जो इंगेज पॉइंट है, वो इंगेज पॉइंट ही मतलब आपका जहाँ प्रेशर एकदम ज़्यादा हो जाता है, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो होता है इंगेज पॉइंट। उस पॉइंट तक हमें नहीं पकड़ना है। बाद हमारा स्पीड कंट्रोल के ऊपर आता है, यानी आप जब चला रहे हो आपको ट्राई करना है कि आपका स्पीड 10 से 20 के बीच रहे। यानी फर्स्ट आप ट्राई कीजिए कि आपका स्पीड 10 स्पीड के ऊपर ही रहे। 10 जब आप लोग कर लोगे उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के उसको 20 कीजिए। ये 10 सीखने के लिए 10 20 का स्पीड ही बहुत ठीक होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप सीख लोगे ना, उसके बाद आप स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कमाओ, एक्सीलरेटर के ऊपर आपका अच्छा कंट्रोल आ जाता है। आपका ब्रेक के ऊपर नॉलेज होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट करते हो तब ब्रेक दबा के आप स्टार्ट स्विच को ऑन करते हो, लेकिन जब आप एक्सीलरेटर को बढ़ाते हो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने के लिए एक्सीलरेटर को बढ़ाते हो तब आप ब्रेक को नहीं पकड़ना है, यानी आपके ब्रेक के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। ब्रेक हम लोग का यूज करने के लिए कब आता है, जब हम रुकते हैं, अगर सामने में कुछ आ जाता है उससे बचने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, या रास्ता ठीक नहीं है उसको धीरे धीरे चढ़ाने के लिए हमें ब्रेक का यूज करना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें ब्रेक का यूज नहीं करना है। तो उस टाइम हमें नॉलेज में रखना है कि एक्सीलरेटर जब आगे बढ़ने के लिए यूज होता है तब हम ब्रेक का यूज ना करें। मैं स्कूटी को चला के दिखाऊंगी किस तरह हम ब्रेक के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह हम एक्सीलरेटर को यूज करेंगे बढ़ाने के लिए स्पीड को, और कंट्रोल करें कि 10 और 20 के बीच स्पीड में रखें। तो अभी मैं स्कूटी को थोड़ा चला के दिखा रही हूँ। ब्रेक को मैं पकड़ ली हूँ, इग्निशन स्विच ऑन किया, मेरा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं ब्रेक को छोड़ दे रही हूँ, धीरे धीरे एक्सीलरेटर को घुमा रही हूँ। देखिए मेरा गाड़ी बढ़ रहा है।
अभी मुझे अगर रुकना है तो ब्रेक यूज करूंगी, सामने में अगर रास्ता ठीक नहीं होगा तब ब्रेक यूज करूंगी, लेकिन जब आगे बढ़ूंगी तभी ब्रेक के ऊपर ढीला रखूंगी, ब्रेक नहीं प्रेशर यूज करूंगी ब्रेक के ऊपर। अभी देखिए मेरा स्पीड 10 के ऊपर मैं कंट्रोल ला रही हूँ, मेरा ये 10 का स्पीड है। अभी मैं लेफ्ट जाऊंगी, लेफ्ट टर्न ली, ब्रेक यूज करके मैं लेफ्ट टर्न ली, अभी छोड़ दे रही हूँ, सीधी जा रही हूँ 10 स्पीड। जब तक 10 स्पीड आ गया एक्सेलेरेटर वहीं तक रखा, बढ़ जाने से एक्सेलेरेटर को छोड़ देना है तो स्पीड धीरे से कम जाएगा। रास्ता बहुत खराब है, एक्सेलेरेटर को धीरे से घुमाना है, ब्रेक के ऊपर हाथ रखना है। फिर से लेफ्ट इंडिकेटर देते हुए मैं लेफ्ट टर्न ली, इंडिकेटर बंद की, स्पीड कंट्रोल की 10 के ऊपर नहीं जाऊंगी, अभी 10 में ही रखना ट्राई करूंगी, सीधी जाऊंगी। इस तरह हमको एक्सेलेरेटर के ऊपर हमें कंट्रोल लाना है। आप एक दिन में ये नहीं सीख पाओगे, आपको ये हर रोज सुबह सुबह निकल के फील्ड में आना है, खाली मैदान में जाके आपको ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिजी रोड में ये नहीं होगा। अब अगर एक बार आप फील्ड में जाके ये कंट्रोल आ गया, अब फिर आप रोड में निकलो। मैं तो रोड में चला रही हूँ क्योंकि मुझे तो आ चुका है। अभी मैं देखिए मैं 20 में जाऊंगी, इसी स्पीड में रखने के लिए कोशिश करूंगी। तो दोस्तों आपको यही सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अपना गाड़ी चलाना है, और देखिएगा आपके एक्सेलेरेटर के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा। तो सावधानी से गाड़ी चलाइए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर नए वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय।